अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज परी के किचन में मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चटपटे बैंगन मसाला, जिसके लिए मैंने यहाँ पर चार बैंगन लिए हैं, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून सूखा धनिया, और यहाँ पर मैंने फ्रेश लेमन लिया है, और थोड़ी सी हल्दी और नमक अपने टेस्ट मुताबिक। अब तमाम बैंगन को मैं यहाँ पर सेंटर से काट कर और इसमें यहाँ पर स्क्वायर शेप में कट्स लगा लूँगी। इस तरह कट लगाने से यहाँ पर जो है मसाला वो अच्छे से हम बैंगन में फिलअप कर लेंगे। और यहाँ पर अब मैं बैंगन का मसाला तैयार कर रही हूँ। तमाम ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को मैं एक साथ मिक्स कर दूँगी और फिर मैं बैंगन में फिलअप कर दूँगी। तो बस यहाँ पर मेरा बैंगन का जो मसाला है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, और अब मैं यहाँ पर बैंगन में अच्छे से फिलअप कर दूँगी। तो बस तमाम बैंगन में ऐसे ही फिलअप कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर तमाम बैंगन के ऊपर जो है वो लेमन स्प्रेड कर दूंगी, उससे मेरे बैंगन में एक खट्टापन आएगा और मसाला जो है वो बैंगन में अच्छी तरह लॉक हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी और मैं यहाँ पर बैंगन फ्राई होने के लिए रख दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट या 15 मिनट के लिए लेट लगा दूंगी। जब तक हमारे बैंगन फ्राई होते हैं तब तक हम बैंगन का मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर लिया है, यहाँ पर क्रश गार्लिक लिया है, और 2 मीडियम साइज़ टमाटर लिए हैं जिन्हें मैंने काट लिया है छोटे छोटे पीसेज में, और यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्च, और यहाँ पर चिली फ्लेक्स, और उसके अलावा थोड़ा सा नमक। अब मैं यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी और मैं इसमें जो है थोड़ा ऑयल गर्म होते ही गार्लिक ऐड कर दूँगी। तो बस यहाँ पर मेरा ऑयल गरम हो चुका है और अब मैं यहाँ पर गार्लिक ऐड कर दूँगी। गार्लिक के ब्राउन होते ही, थोड़ा सा कलर चेंज होते ही, मैं यहाँ पर टमाटर शामिल कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर भी बाकी ड्राई स्पाइसेस जो हैं वो शामिल कर दूँगी, कुटी हुई लाल मिर्च, और यहाँ पर ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा चला लूँगी, और यहाँ पर फिर मैं नमक शामिल करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा ही, बिकॉज़ मैंने बैंगन में पहले भी नमक जो है वो शामिल किया है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ही नमक शामिल करूँगी। अब मैं यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट के लिए लेट लगा दूँगी ताकि मेरे टमाटर जो हैं वो बिल्कुल ही सॉफ़्ट हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर मेरे टमाटर बहुत ही सॉफ़्ट हो चुके हैं, देखें इस तरह। तो बस यहाँ पर मेरा मसाला जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। तो अब यहाँ पर मसाला बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। अब हम मूव करते हैं बैंगन की तरफ। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बैंगन भी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो बस अब मैं यहाँ पर बैंगन के ऊपर जो है वह मसाला डालती जाऊँगी। तमाम बैंगन बस ऐसे ही रेडी करने हैं हमें, और फिर मैं यहाँ पर 5 मिनट के लिए लेड लगाकर और फिर मैं इन्हें डिश आउट कर लूँगी।
अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ पर मेरे तमाम चटपटा बैंगन मसाला जो है वह बनकर तैयार हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह। तो एक बार ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आज की वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि परी की हर नई वीडियो आपको जल्द से जल्द देखने को मिले। इसी के साथ परी को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।